वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में जनपद के सभी थानों के हेड मुहर्रिर एवं कांस्टेबल क्लर्क की बैठक पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी ने थानों पर नियुक्त हेड मुहर्रिर एवं कांस्टेबल क्लर्क को उनके कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाया। बैठक में एसएसपी ने कहा कि थानों में मुंशी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सभी कानूनी कार्रवाई का जिम्मा इन्हीं लोगों के हाथ में होता है, इसीलिए सभी लोग अपने कर्तव्यों को समझें और अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक पालन करें। इसके अलावा एसएसपी ने महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित को सूचना देने व पीड़िता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के संबंध में आवश्यक आदेश निर्देश दिए। बैठक के बाद गोरखपुनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, 38 पेंडिंग, 31 पेंडिंग है, 46 पेंडिंग है। जगह के पास डिफॉल्टर दो है, पेंडिंग 43 है। टीगंज के पास डिफॉल्टर 5 है, कुछ पेंडिंग 50 है। महिला थाना डिफॉल्टर 1, कुछ पेंडिंग 19। क्या कहिए क्या हमारे यहाँ से आप जब हम चिल्लाना चीखना शुरू करें तो आपको करते क्या है? आप बताइए रात के 11 क्या इसमें आपकी कार्मी जाए पांचन थाने इस मामले में उस्ताद है यहाँ के कंप्यूटर चाले लास्ट डेट जब कोई आख्या भी नहीं अप्रूव कर एक तो डिफॉल्टर हुआ एक महीना जब आप शिफ्ट करते हो तो वहाँ से 15 दिन का जीवन दान मिल जाता है पड़ता है 25, 50, 60। हमारे भाई से बात आइए अभी महीने इस महीने कमांडर सर ने हमें लास्ट वार्निंग दिया है लिख करके आख्या दे देंगे सबके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करता है। अब 2-1 को प्रसाद मिल जाएगा या सस्पेंड हो जाएंगे तो आपको जान जाएंगे। तो कृपया आप लोग ऐसा ना करें, इसमें बड़े कठोर लेटर आए हैं। अगर हम माननीय जो है प्रमुख सचिव गृह का इसमें आपको लेटर दिखा दें तो आप लोगों को पसीना आ जाएगा। कुछ गाना ऐसा जो ना आया आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये पिछली मीटिंग का अगर कोई अभिलेख है तो मुझे दिखा दिया जाए। मीटिंग नोट जरूर होना चाहिए ना, पिछली बार जब मुंशियों की मीटिंग करी गई थी तो उसका अभिलेख होना चाहिए। आपको उम्मीद है कुछ चीज़ें बता दी गई होंगी और मुंशियों के लिए पेपर बना था वो सबके पास है, किसके पास है हाथ खड़ा करेगा? किसके पास है जी? मैं दिखाओ वहीं से दिखाइए। ये रेगुलर ब्रीफिंग है, हर महीने 2 महीने में होती रहती है। और जैसा कि आपको पता ही थानेदार में सबसे थानों में सबसे जिम्मेदार आदमी थानेदार, और उसके बाद अगर देखें तो जो मुंशी लोग होते हैं जो थाने में बैठते हैं, और जनता से अधिकतर इन्हीं का ही आमना सामना होता है। क्योंकि थानेदार कई बार केसेस के सिलसिले में, इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, रोड चेकिंग के सिलसिले में, रेड्स के सिलसिले में बाहर होते हैं। तो इन सभी थानों से 2-2, 3-3 मुंशी जो हैं बुलाए गए हैं, जिनकी आज रेगुलर ब्रीफिंग है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, आपने पहले भी देखा है, और इससे हमारे कामकाज में सुधार पड़ता है। इनको इनकी प्राथमिकताएं बताई जाती हैं और इनका जो एक परफॉर्मेंस जो है वो चेक किया जाता है। उसके कई मानक हैं, कई स्टैंडर्ड्स हैं जिनके आधार पर कि भाई शिकायतें कितनी गई, लोगों की वहाँ पर क्या फीडबैक है, हमें क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं हर थाने से, उसको डिस्कस करते हुए इनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिससे पुलिस के कामकाज में और सुधार आ सके, जनता को और ज़्यादा मदद मिल सके और जन सहयोगी पुलिस का निर्माण हो सके। लंबित मामले जो होते हैं उसकी जी, लंबित मामलों की निस्तारण तो मेन मुख्य आईओज और एसएचओज पर डिपेंड करता है, लेकिन थाने का रखरखाव, थाने का रिकॉर्ड कीपिंग, थाने में जो हमारे सिपाही हैं उनके साथ उनका व्यवहार, जनता के साथ डीलिंग, ये बहुत सारी बातें हैं जो मुंशी पर डिपेंड करती हैं। आखिर संतरी किसको लगाना है, किसको कौन कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, किस तरह के काम होंगे, और जनता को मेन कैसे सहूलियत होगी, ये बातें जो हैं थाने वालों को बताना ज़रूरी है। उसी संदर्भ में आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई है।